गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। अभी मॉर्निंग के 8 बज चुके हैं और घर में हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत, जिसमें बना रही है राधिका आज बढ़िया गरम गरम साबुदाना की पकौड़ियाँ। देखिएगा साबुदाना बड़ा है ये। अच्छा हाँ। साबुदाना बड़ा बन रहा है गाइस, मुझे नहीं था पता, माफी चाहूंगा। तो गाइस डिलीशियस हैं और बहुत ही अच्छे बन रहे हैं, दिखने में तो अच्छे लग रहे हैं। ये बात अलग है कि राधिका आज पहली बार ट्राई कर रही है। पहले तो निकलाया आपने मुझे, मैं तो बेटा तो मैंने भी बनाया था एक बार, अच्छा बना था यार। वो भी सिखाती है साइड में, जब तब बनाया था उसने भिजवाए थे ना एक बार, तब मुझे अच्छा अच्छा लगा। पर ये पहली बार है घर में बनाए जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगा था। एनी हाउ, और ये शरारती देखो बालकनियों में घूमता फिर रहा है, उधर नहीं तो अब इधर वाली बालकनी में। दो रन लिए संस्कृति ने इसी के साथ, और मम्मी अभी अपने लग रही हैं, पूरे बॉलिंग कर रही हैं। जलाया नहीं है वो, थोड़ा रेड रेड सा ही अच्छा लगता है। हाँ पर ज्यादा डाल दिया आपने, एक दो कम डालने से। कोको गुड मॉर्निंग नहीं बोला, इसीलिए तो पापा हम घूम रहे थे आपके आगे पीछे, हम गुड मॉर्निंग बोलना चाह रहे थे। गुड मॉर्निंग गाइस, हेलो हाउ आर यू, खाना खा के जाना, मम्मी ने बनाई है बढ़िया बढ़िया यम्मी यम्मी डिशेस। मैं अपने दोस्त को देख रहा हूँ फिलहाल, तो मेरा दोस्त दिख नहीं रहा मुझे कहीं। तैयार हो चुके हैं एकदम, तो गाइस बड़े बन चुके हैं। हाँ ये मेरे लिए ही, इतने सारे मैं खाऊंगा गाइस, क्या है यार, देखे मुंह में ही पानी आ रहा है, इतने टेस्टी लग रहे हैं एकदम सीरियसली, और बहुत ही अच्छे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। देखो गाइस कितने क्यूट लग रहे हैं, सीरियसली बहुत ही अच्छी है ये, जिसने बनाए हैं बहुत ही क्यूट बनाए हैं आपके लिए, थैंक यू। तो गाइज ब्लड डोनेट करने के बाद मैं आ गया हूँ घर पे, सक्सेसफुली हो गया है। देखिए संस्कृति कुछ आज आपको अपनी कुछ नई टेक्निक सिखाएगी, क्या सिखाने वाले बेटा? मैं आज बताऊंगी गूगल पे जो ट्रिक्स होती है। हाँ। वो मतलब मोस्टली लोगों को नहीं पता, मैंने भी करी सीखी है। हाँ। आज बताऊंगी, आज ये आपके साथ शेयर कर रही है। इन्होंने ब्लैक थीम ले लिए, जिससे होगा क्या कि हम कंप्यूटर को आराम से स्कैन कर सकते हैं, दिखा सकते हैं आपको विजुअल के लिए। करूं डू ए सॉरी वापस करेंगे तो रुक जाओ, सॉरी बैरल रोल ये आ रहा नीचे, हम इस पे क्लिक कर देंगे और हमारा गूगल घूमने लगेगा। गाइस कमाल हो गया, ये घूमने वाली स्क्रीन आ गई। अच्छा अब मैं अपनी दूसरी ट्रिक दिखा रही हूँ, उसके लिए हमें डालना है एस्क्यू, ASKEW, एस्क्यू। इस पे हम क्लिक करेंगे, हमारा गूगल राइट साइड की तरफ टिल्ट जाएगा। क्या हुआ? अच्छा वो स्क्रीन खाली होके स्क्रीन राइट साइड की तरफ टिल्ट हो गई, टेढ़ी हो गई, दिख रही है स्क्रीन टिल्ट? हाँ यार थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है। चलो मैं आपको नॉर्मल, यहाँ पे देखो कम है स्पेस, यहाँ को आते रहोगे तो बढ़ता जाएगा, यही ना टिल्ट? हाँ टिल्ट, देखो मैं फिर से डालती हूँ। हाँ नहीं दिख गया वो टिल्ट ही है अभी भी, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट करते हैं ZERGRUSH, ZERGRUSH, ठीक है। अब जो एंटर कर देंगे उसके बाद जो फर्स्ट आएगा ना ये प्ले ZERGRUSH बाय गूगल, ई गूगल जी, इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपको रिंग्स दिख रही है ये धीरे धीरे सारी जो वो आ रही है ना जो सर्च उनको खा जा रही है, दिख रहे? अच्छा ये जो नीचे जो सर्च में जो टेक्स्ट है उनको सबको उड़ा रहा है, और ये धीरे धीरे पूरी वेबसाइट को ब्लैंक कर देगा, ये देख व्हाइट कर देगा, मतलब ज़ॉम्बी हो गए हैं गूगल ज़ॉम्बी हैं एक तरह से, है ना? पर हम यहाँ पे ऐसे सर्च भी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ। अब अपनी नेक्स्ट दिखाती हूँ मैं, अब हम डालेंगे थैनोस। थैनोस हाँ जी, थैनोस तो तुम्हारा वो था जो गेम्स में होता है। एक मिनट ये रहा, प्ले गूगल थैनोस, ये जो आपको हैंड दिख रहा है अब इस पे क्लिक कर दूंगी। एक मिनट फिर से करना, ये नीचे ले जाता है तो ये थैनोस स्नैप लिखना होता है गाइस आपको, देखो फिर से लिखो एक बार। अच्छा आवाज नहीं करता, फिर से थैनोस स्नैप लिखो उसमें, वो 5 बार नीचे लेके जाएगा पहले। अच्छा और देखो गायब हो गया ना सर्च, ऐसे फिर से लिखो यहाँ, लिख रहे हैं हम थैनोस स्नैप, सॉरी स्नैप, ठीक है। एंटर, प्ले गूगल थैनोस स्नैप, इस पर क्लिक कर देंगे, ये जो हैंड आ रहा है हम इस पर क्लिक करेंगे, फिर चुटकी बजाएगा ये, और अभी देखेंगे थोड़ा वेट करेंगे तो गाइस ये चालू है, ये अपने आप ऊपर करेगा, देखो मैंने छू नहीं रखा माउस, ये अपने आप करेगा थैनोस मोड में, गायब कर रहा है ये सब। तो गाइस थैनोस मोड में आ गया पूरा, देखो पहले ऊपर गायब करेगा फिर नीचे जाके एक नीचे का गायब करेगा, फिर ऊपर गायब करेगा, ठीक है ग्रेट ग्रेट। अब एक और ट्रिक दिखाती हूँ मैं, हमें टाइप करना है अंडर वाटर गूगल, ठीक है अंडर वाटर गूगल, इस पर हम एंटर करेंगे तो आएगा गूगल अंडर वाटर सर्च, ई गूगल,
हमारा मछलियाँ आ गई गूगल, गूगल तो उल्टा आ गया, तो ये मिरर इमेज के साथ आया है ना। अच्छा अंडर सब चीज अंडर आ गई। हाँ अब हम यहाँ पे जैसे मोर फिश पीस, जैसे मैं सर्च करती हूँ इंडिया, अच्छा यहाँ पे सर्च नहीं होता गाइस, आप मत सर्च करना इसको। ठीक है अब हम अपना डालेंगे, मतलब सर्च नहीं काम करता अंडर वाटर में कुल मिला के, नहीं कर रहा वो क्योंकि वो एंटर मारो। अच्छा नहीं चल रहा है मोर फिश में, आप जितनी बार एंटर करोगे ना फिश ऐड होते जाएंगे इसमें, ये हो सकता है देख रहे हो। हाँ देखो देखो मैंने फिश से भर दिया, एंटर कर रहे हैं तो गाइस फिश जो है वो बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा फिश आ गई है। ओके नाइस, अब हम दिखाएंगे गूगल ग्रेविटी। गूगल ग्रेविटी ठीक है, ये हमने एंटर करा फर्स्ट पेज आएगा या फिर आपने जो लिखा उसे एंटर कर दो। गूगल ग्रेविटी मिस्टर डॉट डूब इस पे क्लिक कर देंगे और हमारा गूगल नीचे गिर गया ग्रेविटी के लिए। और बाप रे बाप, और देखो हम इसे ऊपर उड़ाएंगे फिर से बॉल की तरह नीचे आ जाएगा, मतलब उसकी ग्रेविटी डाउन कर दी। देखो हाँ अर्थ ग्रेविटी की तरह ट्रीट कर रहा है ये, इमेजेस भी गिर गई, कैलेंडर सब गिर गया। जॉय त्रिपाठी, त्रिब यानी, हाँ त्रिब यानी ये फिक्शनल कैरेक्टर है, इस पर हम पिज्जा पे क्लिक करेंगे। Joey does a share for, अरे वाह डू इट अगेन, सारा ले गया। हाँ, अच्छा था ना, तो ये जो है तो सब कुछ ले जाता है, चॉकलेट बर्गर। वाओ और भी फिक्शनल कैरेक्टर हैं इनके में। कृति आपको गूगल के और फैक्ट्स बताने जा रही है गाइस, यहाँ पे देखिए गूगल स्फीयर, इससे हमारे गूगल गोल गोल घूमेगा। हाँ घूमा अभी घूमेगा, वाओ तो स्फीयरिंग मोड में हो गया है एकदम, गोल गोल पहिया की तरह घूम रहा है गूगल। देखिए गाइस कितने अच्छे से आपको दिख रहा होगा, इजंट इट अमेजिंग। यस अब हम दूसरी ट्रिक बता रहे हैं, फैक्ट नेक्स्ट फैक्ट्स की बारी आ गई है गाइस, तो अगला फैक्ट बता रही है और इसमें ईस्टर एग्स। ओके हमें एंटर मार देना है जो फर्स्ट, एक मिनट ये तो हमारी बेइज्जती हो गई गाइस, ये हमें यहां पे क्लिक कर देंगे। व्हाट इज दिस, ये हमें क्या मिल गया, ये तो मैंने कुछ नया डिस्कवर कर लिया गाइस, ये कुछ नया डिस्कवर, ये तो नहीं थी वो ट्रिक, ये गाइस हमें कुछ नया मिल गया, ये कुछ नया मिल गया है बीच में, तो ये नहीं जानते थे, अभी आपके सामने ही रिवील किया है और ये करके चेक किया है कि ये वॉक्सेल है एक्चुअली, आप इसमें कोई गेम बना सकते हैं खेल सकते हैं कुछ, ये मुझे नहीं पता था मैं कुछ और कर, हाँ ये वॉक्सेल गेम है तो ये आप खेल सकते हैं अपने हिसाब से बना सकते हैं इसको कुछ भी। और अभी दूसरा फैक्ट बता रही है, बस जुड़े रहे आप हमारे साथ, तो अगले फैक्ट की बारी आ चुकी है गाइस, ईस्टर एग, फिर से ईस्टर एग्स जो नहीं चल पाया था वो दोबारा से कोशिश की जा रही है उसको प्रॉपरली, तो आप भी गूगल में ये चीज़ें चेक करके देख सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही फन फैक्ट है, तो आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। इसमें फिर से पॉपअप बना संस्कृति का, कुछ नहीं हासिल हुआ है ईस्टर एग में, और ये कुछ और खोल लिया है इन्होंने, तो फिलहाल इनका पॉपअप हो गया। कोई नहीं अब हम डालेंगे फ्लिपर कॉइन, अगर आपके पास कॉइन नहीं है तो क्या आपको पता है, हमें पता है टॉस कैसे करोगे। फ्लिपा कॉइन बहुत ही शानदार, आपके पास कॉइन हो या ना हो, अगर आपको डिजिटली कॉइन उछालना है तो ये आपके फ्लिपा कॉइन है, कुछ हेड एंड टेल के लिए आप खेल सकते हैं। अगर ये चेहरा ये आता हेड है देख सकते हैं आप, एंड ये जो आग आ रही है ये टेल है, ये आग आएगी अगर तो ये टेल हो गया है, और इसमें आप अपने चैलेंज खेल सकते हैं, घर पे कुछ हार जीत का कुछ लगा सकते हैं, कौन शुरू पहले करेगा गाइस, ये कुछ खुल गया। अब हम डालेंगे पैकमैन, ये पैकमैन ठीक है, हमने पैकमैन डाल दिया, क्लिक ऑन एंटर, गूगल एक गेम देता है पैकमैन डूडल, ऐसे हम प्ले कर देंगे और ये आपका गेम, एक मिनट ये देखो हमारा गेम स्टार्ट हो गया पर मुझे इसे खेलना नहीं आता गाइस। अच्छा हाँ देखो ऐसे चल रहा है ये, ऊपर चल, और गाइस हम मर चुके हैं। 98 में कैसा दिखता था गूगल, अभी दिखाएंगे संस्कृति आपको, क्योंकि 98 में भी गजबदार था, शायद कुछ लोगों ने गूगल को देखा नहीं देखा, आज आपको दिखा देती है, आप इसमें सिंपली टाइप करें गूगल इन 1998, गूगल इन 1998, आप एंटर करते ही आपको गूगल के, ये गूगल का नया रूप आ गया गाइस, पहले गूगल ऐसा था, तो सर्चेस साइड में आ रहे थे यहां पे, जानकारी के लिए बता दूं 96 में गूगल का नाम बैकरप था, उसके बाद 2 साल बाद जब ये गूगल नहीं चल पाया था गूगल सर्च, तो उसके बाद इसका नाम चेंज करके गूगल रखा गया था, जो वर्ल्ड पॉपुलर हुआ है, दुनिया का नंबर वन सर्च इंजन है आज की डेट में, और लोग इसका बहुत ही फायदा उठाते हैं, गूगल बाबा भी कहा जाता है इनको, साथ में दुनिया का बेस्ट
टॉयलेट पेपर कौन सा है, आपने शायद नहीं जाना होगा, आज आपको हम रिवील कर रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो इसे ना देखें। नहीं, आप कहीं से भी हैं, ये गूगल दिखा रहा है जानकारी, हम निष्पक्ष हैं एकदम, ठीक है। बेस्ट टॉयलेट पेपर इन द वर्ल्ड। देखो गाइस, पहले नंबर का सर्च कीवर्ड आता है, आप इसको सेलेक्ट करें और जैसे ही आप इमेजेस, हाँ, तो सबसे पहले आपको देखिए इसमें क्या दिखाई दे रहा है। अगर आप न्यूज पे जाएं, हम न्यूज पे जाएं, ऑल, हाँ, तो ऑल में भी जाएंगे तो सबसे पहले आपको दिखाया जा रहा है पाकिस्तान का फ्लैग, और ये पाकिस्तान के फ्लैग को के बेस पे कोई ब्रांड है, क्या है हमें नहीं है जानकारी बिल्कुल भी, बट इसको गूगल ने ले रखा है एज ए बेस्ट टॉयलेट पेपर इन द वर्ल्ड। तो बहुत ही फनी फैक्ट्स हैं जो आप गूगल में देख सकते हैं, सीख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोबारा दूसरे लेसन में, लेकर आएंगे संस्कृति कुछ सीखने के लिए, कुछ कनेक्टेड करेंगे आपको, और बहुत ही जानकारी, उम्दा जानकारी लेके हमारी संस्कृति आपके सामने फिर पेश होगी। इस बीच हमारी संस्कृति की मम्मी ने कर दी है सारे बर्तन साफ, और ये कर रही है अपनी रसोई का एकदम हिसाब किताब बराबर, क्योंकि नींद की झटके आने वाले होंगे तो उससे पहले ये सो जाएंगी। तो गाइस, बारिश शुरू भी हो गई है, हल्की हल्की बारिश हो गई है, हल्की सी सर्दी फिर से लौट आएगी, तो सर्दी के मज़े लेंगे लोग दोबारा से। और ये कुछ लोग हैं ऐसे, ये इनको मज़े नहीं आते हैं, इनको पसंद नहीं है सर्दी, और ना जाड़ा पसंद है इनको। मुझे गर्मी पसंद है, हाँ, मुझे सर्दियाँ बहुत पसंद है, लेकिन ये बरसात वाली सर्दी मुझे भी पसंद नहीं है गाइस, मुझे नॉर्मल सर्दी पसंद है।